चलिए पहले आपकी बात करते हैं जो कि एक वॉलपेपर ऐप है और इसमें बहुत ही ब्यूटीफुल कलेक्शन ऑफ एआई जनरेटेड वॉलपेपर्स हैं। काफी यूनिक है, सुपर क्रिस्प क्वालिटी के हैं और ये आपको और कहीं नहीं मिलेंगे। मतलब अगर आप किसी भी फोटो को जूम इन करके देखेंगे तब आपको समझ आएगा कि कितने हाई क्वालिटी के हैं। और इतने सारे वॉलपेपर्स हैं इस ऐप में कि आप जब भी ये ऐप खोलेंगे आप टेम्प्ट हो जाएंगे कि बस मैं हर वॉलपेपर ट्राई कर लूं। वैसे ये सारे वॉलपेपर काफी नीटली ऑर्गेनाइज्ड हैं बहुत सारी कैटेगरीज में, तो जैसा आपका मूड करे उस कैटेगरी को खोल के उसका वॉलपेपर आप या तो सेव कर लो या सीधा अप्लाई कर लो। अब एक ड्रॉबैक है, ये ऐप फ्री नहीं है, 90 रुपए की आती है, लेकिन यार इसमें वॉलपेपर्स इतने सारे हैं मेरे हिसाब से टोटली वर्थ इट है। लेकिन फिर भी मेरे पास 30 प्रोमो कोड्स हैं आपको देने के लिए जिससे ये ऐप आप फ्री में इंस्टॉल कर पाएंगे। बस आप मेरे को सब्सक्राइब करो YouTube चैनल पे, मेरे Instagram पे फॉलो करके वहाँ मुझे DM कर दो और जो पहले 30 लोग होंगे उनको मैं प्रोमो कोड दे दूंगा। नेक्स्ट, आपने देखा होगा ये जो ऐप सर्च फंक्शन होता है ना, ये अलग अलग फोन मैन्युफैक्चरर में अलग अलग एक्सपीरियंस देता है, लेकिन मुझे इसका परफेक्ट रिप्लेसमेंट ऐप मिला है, पिक्सल सर्च। और ये जो सर्च है ना, ये सच में यूनिवर्सल सर्च है। जैसे मान लो मैंने एक गाने का नाम लिखा और सीधा YouTube म्यूजिक पे ही सर्च कर लिया, या मैंने कोई मूवी का या टीवी शो का ट्रेलर सर्च किया सीधा यूट्यूब पे, या मान लो मैंने किसी रेस्टोरेंट का नाम डाला जो मुझे जाना है और गूगल मैप्स पे सर्च करके डायरेक्शंस इमीडिएटली मिल गए। इट गेट्स बेटर, मान लो मैंने कोई फाइल सर्च करी तो सीधा रिजल्ट्स वहीं मिल गए, और अगर इमेज है तो थंबनेल के साथ, और ऑब्वियसली आप अपना नॉर्मल कॉन्टैक्ट्स एंड ऐप्स ढूंढ ही सकते हैं। पॉइंट बीइंग, आप इस ऐप के थ्रू काफी कुछ कर सकते हैं। और खास बात यह है कि ये आप किसी भी फोन पे इंस्टॉल कर सकते हो और कॉन्फ़िगर कर सकते हो कि डबल टैप ऑफ पावर बटन पे खुल जाए, या आप इसका एक विजेट प्लेस कर सकते हो होम स्क्रीन पर। अब ना मूवीज रेकमेंड या ढूंढने के लिए ढेर सारे ऐप्स, लेकिन मूड के बेसिस पे मूवी रेकमेंड करने वाले ऐप शायद ही होंगे। तो एक ऐप तो नहीं बोलूंगा, एक टूल मिला है जो आपको मूड के बेसिस पे मूवीज रेकमेंड करता है। तो गाइस वैसे ये ऐप नहीं है लेकिन ऐप की तरह ही काम करता है। अपने फोन के ब्राउजर में movemi.tv खोलो, ठीक है, वहाँ पे सर्च फंक्शन होगा। अब वहाँ पे आप डालो मान लो क्यूरियस, और इससे भी बेटर आप सीधा इमोजी डाल दो जैसे ये माइंड ब्लोन वाला। अब जैसे आप सर्च दबाएंगे ना, इसका AI जो है वो टाइटल्स सर्च करेगा और आपको कुछ रिकमेंडेशंस देगा। अब जाहिर सी बात है कि रिकमेंडेशन की लिस्ट काफी लंबी हो सकती है, तो फिल्टर्स में जाके आप रिसेंसी एंड IMDb रेटिंग के बेसिस पे फिल्टर और टाइट कर सकते हैं। तो अब जो लिस्ट होगी ऑब्वियसली वो थोड़ी छोटी भी होगी, और इसमें आपको IMDb रेटिंग ना अपफ्रंट दिख जाती है, काफी सही है। और तो और आप इसको स्ट्रीमिंग सर्विसेज से भी फिल्टर कर सकते हैं, तो डिपेंडिंग ऑन आपके पास किसकी सब्सक्रिप्शन है सिर्फ वही टाइटल्स आपको दिखेंगी और बाकी आएंगी नहीं इस लिस्ट में। और अगर आपको टाइटल पे और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इन्फो पे क्लिक करके आपको कितनी लंबी मूवी है, कब रिलीज हुई, कौन से प्लेटफॉर्म पे है, वो सब भी मिल जाता है। अगर इसमें आप सीन या वॉचलिस्ट में चीजों को ऐड करेंगे तो इसकी रिकमेंडेशन जो है और भी बेटर हो जाएंगी। जैसे कि मैंने कहा, ये किसी ऐप से कम नहीं है। नेक्स्ट ऐप है एरोटॉक्स, और ये काफी सिंपल ऐप है जो आपके इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक डॉक्यूमेंट्स ऑर्गेनाइज मैनर में स्टोर करता है। और डॉक्यूमेंट ऐड करना तो बड़ा आसान है, बस ये प्लस के आइकन पे क्लिक करके आप बस इंपोर्ट कर दो। अब आप बोल सकते हैं कि यार ये तो मैं फोन के बिल्ट इन फाइल मैनेजर से कर ही सकता हूँ, तो क्या बड़ी बात है, लेट मी शो यू। तो जैसे ये आईडी कार्ड है, इसको क्लिक करके ओपन करते हैं, और यहाँ नीचे से अगर आप पुल करेंगे तो आप देखेंगे अभी कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है। जैसे आप ऑटो स्कैन पे क्लिक करेंगे ना, इसका AI काम करता है और आपके आईडी कार्ड को पूरा रीड कर लेगा, और फिर सारी इन्फॉर्मेशन एक एक करके आपके सामने ब्लॉक्स में प्रेजेंट कर देगा। और अब मानिए कि आपको ये इन्फॉर्मेशन किसी के साथ शेयर करनी है, तो आपने बस यहीं से कॉपी किया और कहीं भी जाके पेस्ट कर दिया। और वैसे आप और भी फोल्डर्स क्रिएट कर सकते हैं, जैसे इनवॉइसेस हो या रिसीट्स हो गए या फ्यूल स्लिप्स हो गए, तो वो सब बड़े इजीली आप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट ऐप पे आते हैं। ये ना एक ऑल इन वन टूल है आपके फोन के लिए। इसमें ढेर सारे टूल्स हैं जो आपके छोटे मोटे टास्क होते हैं फोन पे उनको बड़े आसानी से करके देता है। जैसे आपको अगर फोटो रिसाइज करनी है तो साइज चूज करो एंड डन, या अगर आपको एक राउंडेड फोटो चाहिए फ्रॉम विद इन अ फोटो, वो भी बड़े आराम से हो जाती है। इसमें एक कलर पिकर भी है जो आपको एग्जैक्ट कलर पिक करने देता है फ्रॉम एनी फोटो जो आपके गैलरी में हो, अब आपको हेक्स कोड दे देता है। इसमें अलग अलग यूनिट कन्वर्टर भी हैं, डायमेंशंस के हो गए, एनर्जी, टाइम, टेम्परेचर, डेटा और कई टाइप के। इसमें कुछ टेक्स्ट टूल्स भी हैं जैसे फाइंड एंड रिप्लेस, या रिमूव एम्प्टी स्पेसेस, या डुप्लीकेट वर्ड्स हटाने हो। और ये थोड़ा फन टाइप का है, अगर आपको नॉर्मल टेक्स्ट को थोड़ा फंकी बनाना हो वो भी इसमें आप बड़े आराम से कर सकते हैं।
इसमें स्पिन द बॉटल एंड लकी व्हील जैसे चीजें भी हैं, अगर फ्रेंड्स के बीच में कुछ अनबायस्ड डिसीजन लेना हो कि इसे शाम को क्या करना है, जैसे मैं बियर पीने वाला हूँ। ऐप का नाम है टूली और ये बिल्कुल फ्री है प्ले स्टोर पे। और आखिरी ऐप है पोजिशनल, बहुत ही गुड लुकिंग एंड काफी यूजफुल टूल्स है इसमें। फॉर एग्जाम्पल इसमें लेवलर है जो आपको बताता है कि कोई भी चीज सीधी है या नहीं, जैसे आपके फ्रेम हो गए, या मैं इसको यूज करता हूँ अपने ट्राईपॉड के हेड को स्ट्रेट रखने के लिए, एकदम पैरेलल रखने के लिए विद द ग्राउंड, तो उसके लिए तो ये काफी यूजफुल है। इसमें जैसे बिल्ट इन कंपास भी है जो काफी स्मूथ एंड एक्यूरेट है और देखने में सही में यार बहुत अमेजिंग लगता है। मतलब ऐसा कुछ आईफोन में बिल्ट इन है लेकिन एंड्रॉइड में आपको इस ऐप में ये मिल जाएगा। इसमें एक टाइम का सेक्शन भी है और इसमें कुछ अलग अलग एनिमेशन वाले क्लॉक्स हैं, लेकिन सबसे ज्यादा यूजफुल इन्फॉर्मेशन यहाँ है, जैसे कि सनसेट एंड सनराइज का टाइम, मून कब दिखेगा, कहाँ और कितना ब्राइट, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन भी आपको यहाँ फ्री में मिल जाएगी। अब माना ये रोज काम आने वाली इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन जब भी चाहिए होगी इस ऐप में आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगी। और हाँ, इसमें आपको डार्क एंड लाइट थीम के बीच में शिफ्ट करने का भी ऑप्शन है और अलग अलग एक्सेंट कलर्स भी लगा सकते हैं जस्ट टू यू नो मेक इट लुक गुड। जैसे आप देख सकते हैं बहुत सारे कलर्स अवेलेबल हैं, तो जैसे मर्जी आप इसको कभी भी लगा लो। और ये सारे चीज़ें फ्री हैं पोजिशनल ऐप में। चलिए, यही थी टॉप ऐप्स जून के महीने के लिए। वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक दबाइएगा, सब्सक्राइब फॉर मोर, और वो ना बेल आइकन मार्क करके नोटिफिकेशंस को ऑल कर दीजिए ताकि जब भी वीडियो डले आपको पहले पता चले। मिलते हैं।